focus. Ideate. Innovate. Enable. Axis Direct presents CNBC Awaaz Pehla Kadam Season 4. स्वागत है आप सभी का पहला कदम सीजन 4 के इस खास एपिसोड में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक सफल निवेशक बन सकते हैं, जिसके लिए योग सूत्र समझना आपके लिए काफी जरूरी है। और आज इस खास चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं हमेशा की तरह एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ अरुण ठुकराल, जिन्होंने हम सब जानते हैं कि योगी ऑन द लाल स्ट्रीट किताब भी लिखी है, लेकिन आज हम इनसे समझेंगे योग सूत्र के महत्व, जिसको हम अपनी निवेश रणनीति में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सकते हैं। स्वागत है आपका इस पेशकश में। और मैं योग सूत्र की बारीकियां आपसे समझूं, उससे पहले आपको ये कहना चाहती हूं कि बाजार के दिग्गज के तौर पे, महानुभवी के तौर पे, तो हम सब आपको जानते ही हैं, लेकिन आपने जो किताब लिखी है योगी ऑन द लाल स्ट्रीट, इसका ख्याल आपको कब आया, कैसे आया, इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये प्रश्न आप ऐसी जगह पे पूछ रही हैं जहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, और इस सवाल का जवाब मैं कई बार कई जगह पे दे चुका हूँ, बट आज मुझे खुशी है कि मैं सांता क्रूज ईस्ट में जो योगा इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मेरी ये योगा जर्नी शुरू हुई, और ये कुछ 6 से 7 साल पहले जब मैं यहाँ पहली बार आया, तो यहाँ की जो वाइब्रेशन है, यहाँ की जो हवा है, इसमें एक अलग तरह का सुकून है। और हम सब महसूस कर ही रहे हैं। और जब मैं यहाँ से जुड़ा और मैंने फिर यहाँ पे कुछ क्लासेस ज्वाइन की, तो अमूमन क्या होता है कि हम लोगों की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, एज ए सीईओ आई हैव टू ट्रैवल। बिल्कुल। तो किसी मेरे एक अच्छे मित्र ने मुझे कहा कि आप योगा इंस्टीट्यूट जाइए और कुछ योगा करिए। तब मेरे दिमाग में ये आया कि शायद ये फिजिकल योगा का बात कर रहा है। अच्छा। क्योंकि ये पहला जो लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि योगा इंस्टीट्यूट मतलब आप योगा आसन की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे आके योगा करना ही एक मकसद होता है, समझ होती है। यही सोचकर मैं भी आया। अच्छा। और जो मेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, जैसे मैं ट्रेवल करता था, बहुत समय तक बैठा रहता था, तो कुछ एसिडिटी प्रॉब्लम, कुछ खाना टाइम से नहीं खाना, तो वो कुछ मैंने यहाँ आसन किए और वो सब प्रॉब्लम ऑब्वियसली काफ़ी उसमें फ़ायदा मिला। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की कि यहाँ पर कुछ एक योगा कोर्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं। अच्छा। और मैंने एक योगा कोर्स ज्वाइन कर लिया, जो यहाँ पे 2 साल का कोर्स है, जो वीकेंड पे होता है। और जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, तो मुझे ये पता लगा कि योगा जो है वो केवल आसन नहीं है। आसन तो सिर्फ एक हिस्सा है, अगर आप अष्टांग योग की बात करें। अच्छा। तो आसन तो सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तो 8 अंग हैं। और फिर मेरा जो एक स्पेसिफिक क्लास है यहाँ पे, जो योग सूत्रा क्लास होती है, जो हंसा जी पढ़ाती थी, और हंसा जी के चरणों में, हंसा जी फाउंडर हैं, हंसा जी यहाँ की फाउंडर हैं, और जब उनकी मैंने वो योग सूत्रा की क्लास अटेंड की, तो मुझे समझ में आया कि जो योग सूत्रा है वो आपके मन तक जाता है, आपके दिल में जाता है, आपके चित्त में जाता है, और आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज होती है। तो मतलब योग सूत्र में आप आसन नहीं करते हैं, आप शायद योगा को थ्योरेटिकली समझते हैं। बिल्कुल, वो कहने को आप थ्योरेटिकली कह सकते हैं, बट वो जीवन का सार है। उसमें इतनी अच्छी बातें बताई गई हैं, अब जब हम बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से, आपको पता लगेगा, और ये हमारे रोजमर्रा में यूज होने वाला है। तो योगा इंस्टीट्यूट में ये कहा जाता है कि योगा इज ए वे ऑफ लाइफ। हाँ। योगा को आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। तो मेरा जो प्रोफेशन था वो इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग है, लोगों को बताना है, और मैं एक शेयर बाजार में ज़्यादा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तोड़ फोड़ बहुत होता है। बिल्कुल। तो कमाई का मंत्र तो आप देते ही आए हैं हमेशा। हाँ। से, लेकिन यहाँ पर योग सूत्र के जरिए आप कैसे अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, मेरे ख्याल से ये खासियत है आपके किताब की। हाँ। तो हम इसको समझे कैसे, अगर अगर एक एक, एक आम शख्स इस वक्त अगर हमारा शो देख रहे हैं, तो उनके लिए शायद कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि निवेश और योग सूत्र का आ, 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 दोनों में कंपेरिजन क्या है और दोनों का मिलाप क्या है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है, एक तरफ शेयर बाजार है जहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है, और एक तरफ योगा है जहाँ पे फोकस है, जहाँ पे डिसिप्लिन है। तो अगर एक योगी स्टॉक मार्केट में आए और वो नॉइज़ को नहीं सुने, जितना ऊपर नीचे शोर हो रहा है, और वो छोटी छोटी बातों से ना घबराए, तो आई थिंक ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा, जब योगा बात करता है, योगा बात करता है कि आपको फियर से बचना है, आपको अभिनिवेश से बचना है, तो ये सूत्र है जो मैं आपको बताऊंगा,
तो कहने का मतलब यह है कि जो योगा के जितने भी योग सूत्र हैं वो किसी ना किसी आपकी मन की एक भावना को प्रकट करते हैं, आपके जो गुण हैं, आपके अंदर प्रवृत्तिज हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप किसी भी एसेट क्लास को जब देखते हैं तो आपको क्या भाव आता है, क्या आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड हैं, तो योगा में उसको राग बोलते हैं। हाँ। तो जब मैं ये एक एक चीज़ करके ये सूत्र पढ़ता गया तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यही तो हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं। इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल कौन है? जो काफ़ी समय तक निवेश करते हैं, जो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। और ऐसा ही मैंने एक CNBC के ही एक प्रोग्राम पर एक बार इस सूत्र का उल्लेख किया और मैंने देखा कि जो बहुत सारे लोग जो सुनने आए थे वो सब इकोनॉमिक लैंग्वेज तो समझते थे लेकिन वो बहुत लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं GDP, सब लोग बोलते हैं मार्केट डेटा, सब लोग बोलते हैं ये, लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि आपके मन की स्थिति क्या है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है। क्यों आप किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं? हाँ। क्यों आप एक स्टॉक बेच देते हैं जब आपको खरीदना होता है? हाँ। जब कहीं सेल लगती है तो हम ज़्यादा खरीदते हैं, बट जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है तो आप क्यों डर के मारे बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रही हैं कि इसका कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर से कनेक्शन है। हाँ। और अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, तो लोग हमारे यहाँ वॉरेन बफे की बात करते हैं, बहुत सारे वेस्टर्न गुरुज की बात करते हैं, ग्रीड एंड फियर की बात करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो पतंजलि है। हाँ। जो 2500 साल पहले इनसे कहीं ज्यादा चीजें बता चुके हैं। हाँ। वो सिर्फ ग्रीड और फियर की बात नहीं करते, वो तो अटैचमेंट की बात भी करते हैं, वो तो अवर्जन की बात भी करते हैं, जिसको हम द्वेष कहते हैं। तो जब मैंने इसका सहारा लेके लोगों को समझाने की कोशिश की, जब मैंने किसी को कहा कि अगर आप एक फ्रिज खरीदते हैं तो आप 10 दुकान पे जाते हैं, 10 चीज़ें देखते हैं, आप सिंगल डोर डबल डोर चेक करते हैं और तब जाकर आप एक 20,000 का फ्रिज खरीदते हैं। Okay. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कुछ भी देखते नहीं। बिल्कुल। आप किसी को पूछते हैं कि शायद हाँ। इसको कुछ पता है और आप 50,000 करते हैं। हाँ। तो ये दोनों बिहेवियर आपके अलग क्यों हैं? Okay. तो ये एक तरह का क्लेश है। अच्छा, तो इस तरह से मैंने फिर वो योग सूत्र एक्सप्लेन करने शुरू। तो कुल मिला के जो मैं अब तक समझ पाई हूँ, इस योग सूत्र में अलग अलग पैमाने हैं जिन्हें समझकर आप एक सशक्त निवेशक बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं समझने के लिए, तो हम एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले से अलग अलग तरह के निवेशक हैं मेरे ख्याल से, और क्या उन अलग अलग तरह के निवेशकों की मानसिकता को समझाया गया है योग सूत्र के जरिए, यह हम उन्हें समझ सकते हैं? तो योगा का एक मेन पर्पस है, वो बोलते हैं योगा चित्त वृत्ति निदोषा। सो अगर आपके अंदर जो वृत्तिज हैं उसको अगर आप निकाल दें, योगा का जो मेन पर्पस है वो वृत्तिज को एड्रेस करना है, और ये वृत्तिज कुछ 5 तरह की होती हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण। तो जो सामने है उसमें क्या सवाल पूछना है? अगर आप देख रहे हैं, आप एक दुकान पर जाते हैं और उसकी सेल्स हो रही हैं, आप रोज देखते हैं, आप खुद वहाँ से खरीदते हैं, तो ये तो सामने है आपके, तो फिर तो ये मान के चलना ही है कि उसका प्रॉफिट अच्छा होगा। ओके, तो ये वृत्ति मतलब मनोवृत्ति नहीं है निवेशक की, ये एक फाइनेंशियल बिहेवियर है। ये एक बिहेवियर है जो किसी भी तरह से हो सकता है। जो भी चीज आप देखते हैं जिसमें आपको कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जिसे बोलते हैं ना आंखों देखा सच। तो जैसे किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है, अब एनुअल रिपोर्ट तो ऑडिटेड है, उसमें लिखा है कि इस कंपनी ने इतना सेल्स किया, इतना प्रॉफिट हुआ और इतना पैसा उसका बचा और नेट प्रॉफिट आया, तो ये आपके सामने है, तो ये प्रमाण है। ये प्रमाण है। तो इसके बेस पर आप डिसीजन ले रहे हैं या किसी के कही सुनी बात पे बात कर रहे हैं? अच्छा। दूसरा इसके जो थोड़ा डिफरेंट है वो है विप्राया। सो इसका मतलब है आप मिसकंसेप्शन में हैं। ओके। आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक अगर नीचे गिरा है तो शायद ये सस्ता हुआ है, लेकिन उसके पीछे कुछ और हो सकता है। हो सकता है कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो सकता है, कुछ और हो, तो आप इसी किसी मिसकंसेप्शन में हैं, तो ये भी आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट करेगा, बिल्कुल। कुछ और एक चीज है, तीसरी वृत्ति जो बोलते हैं विकल्प, कि आदमी सोचता रहता है वो शेख चिल्ली की तरह कि मैं अगर ये खरीदूंगा तो ये डबल होगा, या किसी से कुछ सुन के आता है तो वो उसको करता है, तो वो अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है। ओके। तो ये तीसरी वृत्ति होती है। चौथा जो वृत्ति की मैं बात कर रहा था वो होती है निद्रा। निद्रा का मतलब है कि कई ऐसे निवेशक हमने देखे हैं जो सो रहे हैं, जिनका कुछ एक निवेश किसी बैंक में पड़ा है, कुछ FD पड़ा है, कहीं कुछ प्लॉट पड़ा है, तो वो बहुत इनर्शिया है उनमें, कुछ करना नहीं चाहते, एकदम लीजे हैं, वो भी एक वृत्ति है। हाँ, उसको आपको देखना है। और फाइनली स्मृति। अच्छा। स्मृति मतलब यादें। तो कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ अच्छा हो गया, तो जो भी लास्ट हुआ वही उनका डिसीजन नेक्स्ट के ऊपर आता है। सपोज बहुत अच्छा पैसा बना है तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, कहीं पे लॉस हो गया है तो स्टॉक मार्केट से पूरा निकल गए,
तो ये स्मृति भी, जो जिस तरह की भी स्मृति है, अगर अच्छी स्मृति है तो आप फटाफट सारा पैसा उसी एसेट क्लास में लगाते हैं, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया सारा पैसा। हाँ। अगर गोल्ड ने 5 साल अच्छा रिटर्न दिया और आपने लगाया था तो सारा पैसा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक तरह की वृत्ति है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये सब चार या पांच, जो मैंने पांच वृत्ति देखी है, इनसे प्रभावित होकर तो नहीं ले रहे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे दूर करिए और तब आप एक अच्छे निवेशक बन पाएंगे। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 4। वृत्तियों के बारे में तो हमने समझ लिया है, लेकिन अब इस तरह की बिहेवियर में एक जब इस तरह की वृत्ति हावी हो जाती है किसी निवेशक में, तो उनका स्वभाव किस तरह से बदलता है, निवेश को लेकर फिर वो किस तरह के फैसले लेते हैं, इन सब के बारे में भी योग सूत्र में क्या समझाया गया? हाँ, है तो अभी जो हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में काफी सारे बायसेस हैं वो एक्चुअली इन्हीं वृत्तियों से ही निकले हैं। अच्छा। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं कि कन्फर्मेशन बायस एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट आपके स्वभाव में चेंज होता है। आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा है या पर्टिकुलर एसेट खरीदी है, तो उस दिन के बाद आप हमेशा क्या देखना चाहते हैं कि जो मैंने खरीदा है वो अच्छा है। सपोज आपने शुगर इंडस्ट्री का कोई शेयर खरीद लिया, तो आप अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ शुगर से पढ़ेंगे तो आप सबको बताएंगे कि देखिए ये शुगर इंडस्ट्री का शेयर है, मैंने तो शुगर ही लिया है। आप उसके बारे में गलत सुनना नहीं चाहेंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे, आप अपने आप को जस्टिफाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कन्फर्मेशन बायस आ जाता है, तो वो आपके निवेश को प्रभावित करता है नेगेटिव तरीके से। okay. तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर वृत्ति के अंदर आ गए हैं, आप एक मिसकंसेप्शन में आ गए हैं, जो मैंने बताया था आप विपर्याय में आ गए हैं। अच्छा। आप सोच रहे हैं कि क्योंकि आपने ये पर्टिकुलर शेयर खरीदा है इसीलिए ये बढ़ना ही चाहिए, ऐसा मार्केट थोड़ा सोच रही है। तो वो एक हो गया कन्फर्मेशन बायस। दूसरा होता है एंकर बायस। एंकर बायस ना कि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदा है, आपने एक स्टॉक खरीद लिया 500 रुपये में, अब आप हमेशा ये सोचते हैं कि अब ये तो 600 पे जाएगा ही जाएगा, अगर उसका कुछ फाइनेंशियल्स ख़राब हो गए, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई और वो 400 में आ गया और उसका वो सही प्राइस है, बट क्योंकि आपने एंकर 500 पे लगाया है आप उसे बेचेंगे ही नहीं। अच्छा। वो 300 पे आ गया फिर भी आप बेचेंगे भी, नहीं। हाँ, जबकि हाँ, आपको वो बेच देना चाहिए था। हाँ। तो कुछ डेट्स को कुछ लोग एंकर कर लेते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि आप सोना जो है वो धनतेरस वाले दिन खरीदेंगे, तो आपने एंकर लगा दिया कि आज धनतेरस है तो आज खरीदेंगे। और आपको देखने की बात यह है कि कोई भी चीज की जब ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगा। हाँ। तो आप उस दिन मत खरीदिए ना, आप किसी और दिन खरीदिए, बट आपने एंकर लगाया कि नहीं, धनतेरस को ही मैं खरीदूंगा। ऑब्वियसली कुछ इसके अलग रीजन भी होते हैं, बट ये एक बायस है, ये एक वृत्ति है, ये आपको समझ लेना है। उसके अलावा काफी सारे, एक मेंटल अकाउंटिंग हम बोलते हैं कि इसमें ये कहते हैं कि अगर पैसा आपका लॉटरी में आया तो आप उसको उड़ाइए, अगर आपका पैसा बोनस में मिला है तो आप उसको उड़ाइए। अच्छा। और जो आपका पीएफ का पैसा है, नहीं नहीं इसको तो एफडी करूंगा। हाँ। इसको तो मैं स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाऊंगा। हाँ। पैसा तो एक ही है। हाँ। मनी हैज नो कलर। तो ये भी एक वृत्ति है ना, इसका मतलब आप नॉर्मल बिहेवियर से कहीं दूर जा रहे हैं। अच्छा। जो सट्टा करते हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं। हाँ, तो गैम्बलर होते हैं वो ये मानते हैं कि अगर 4 बार हेड आया तो अब टेल आएगा। हाँ। मैं 3, क्योंकि गैम्बलर बोलता है कि कभी ये तो कभी ये, अब बार बार अगर टेल आ रहा है तो अभी हेड आना चाहिए। तो वो अगर पिछली बार उनका पैसा लॉस हो गया है तो वो फिर किसी पेनी स्टॉक में लगा देंगे कि नहीं नहीं इस बार ये डबल हो जाएगा। सही बात है, बिकॉज वो गैम्बलर बायस में है। हाँ। तो और कहीं ना कहीं एक होता है 1/N डाइवर्सिफिकेशन बायस। उसमें ये कहते हैं कि आप अपना 100 रुपया लिया और उसके 5-6 हिस्से कर दिए। हाँ। आपने उठा 20 रुपये इसमें डालेंगे, 20 इसमें डालेंगे, 20 इसमें डालेंगे, तो कोई लॉजिक नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि गोल्ड में आप सिर्फ 10% डालिए, इक्विटी में आपके गोल्स के हिसाब से 40% डालिए, या बाकी एसेट्स में डेट में 20% डालिए। ये जो इंसान क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 1/N आप सबको बराबर बांट दीजिए। ओके। अगेन आप अपने आप को, अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से दूर जा रहे हैं, जो एक सही निवेश के प्रिंसिपल्स हैं वो दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका स्वभाव इसको गलत तरीके से देख रहा है। तो अक्सर हम एक हर्ड मेंटालिटी या ये बायस के बारे में तो अक्सर सुनते रहते हैं बाजार में। हाँ। तो इसका क्या मतलब होगा? तो हर्ड मेंटालिटी जैसा कि नाम में है। हाँ, कि अगर आज के डेट में, जैसे 2000 में आपने देखा सब लोग टेक शेयर खरीद रहे थे। हाँ। और वो टेक शेयर का जो पी था वो 100 के ऊपर चला गया, और जो गंदे शेयर भी थे, जो एक अच्छे शेयर थे और एक खराब शेयर थे, जो गंदा क्वालिटी के शेयर थे वो भी 100 गुना महंगे हो गए, बट सबको टेक्नोलॉजी में डाना था, तो वो हर्ड मेंटेलिटी है। या सबने एक साथ बेचना शुरू कर दिया, जैसे मार्केट गिरती है तो हर एक आदमी बेचता है ना, तो जो नहीं बेचता है वही योगी है। हाँ। वही जो 4% जो लोग नहीं बेचते हैं वही तो आगे जाते हैं। हाँ।
और यहीं पे मैं हमेशा सेल्स का एग्जांपल देता हूँ कि अगर कहीं ओबराय मॉल में बॉम्बे में सेल लगती है तो हम जाके खरीदते हैं, यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है तो हम बेचते हैं क्योंकि सब लोग बेच रहे हैं तो मैं भी बेचूंगा, जबकि वो खरीदने का समय होता है। तो ये हर्ड मेंटेलिटी है। आपको अगर ये समझ में आ गया और आपने इसके विपरीत काम किया तो आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो अक्सर हम कहते हैं कि निवेश की शुरुआत करने का कोई सही समय नहीं होता है, कोई समय सही उम्र नहीं होती है। आपके पास जब भी पैसे हो, निवेश को लेकर समझ आ जाए तो आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। क्या योग सूत्रा में इसको लेकर कोई बात कही गई? क्योंकि ये सवाल मेरा थोड़ा सा युवा दर्शकों के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो निवेश को शायद इस उम्र में, युवा उम्र में हल्के में लेते हैं थोड़ा। तो जैसे कि आपने कहा कि युवा जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, उनका नया नया जॉब शुरू होता है और वो लमसम एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आई थिंक योग सूत्रा में एक पतंजलि ने एक सूत्र बोला है। ऑब्वियसली 2500 साल पहले उनको नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट भी कुछ होगी या इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो एक सूत्र है, सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब कि अगर कोई भी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाना है तो तीन चीज़ें चाहिए। पहला दीर्घकाल, उसको लंबे समय तक किया जाए। दूसरा निरंतर कंटिन्यूस किया जाए। और तीसरा सत्कारा, डिवोशन के साथ किया जाए। तो यही तो एसआईपी है और यही यूथ को करना चाहिए, क्योंकि उसका जो शुरू हुआ है जीवन, उसका जो कमाई का साधन जब शुरू हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा करके अपने गोल्स के हिसाब से वो एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सूत्र है और हम इसके बारे में बहुत बात करते हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ इसी के बारे में, बिकॉज आपको इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। जब मार्केट्स नीचे होती है तो एनएवी नीचे आ जाती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की या स्टॉक्स की भी प्राइस नीचे आ जाते हैं। तो ये सही समय होता है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहिए और युवाओं को स्टार्ट करने के लिए यहीं से शुरू करना चाहिए। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाजार में अस्थिरता है चुनाव को लेकर, और ऐसे में निवेश का सही समय क्या है इसको लेकर असमंजस की स्थिति तो हमेशा ही होती है एक निवेशक के मन में। निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस तरह के असमंजस में फिर आप घाटे में चले जाएंगे, ये सबसे बड़ा फियर होता है। इसे एक निवेशक कैसे संभाले? क्या योग सूत्र में इसको लेकर भी कोई समझाइश है? बिल्कुल, योग सूत्र में कहा गया है कि एक प्रतिपक्ष भावना की हम बात करते हैं, उसमें बोला जाता है वितर्क बधाने प्रतिपक्ष भावना। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा डर हो, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो आप उसका विपरीत करिए। तो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा डर है तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आया है, तो इसका मतलब वही सही समय है। तो हम योगा में, जब हम नॉर्मल योगा में बात करते हैं कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो किसी अच्छी चीज़ को याद करिए, अपने अच्छे समय के लिए। आपने कभी अच्छा छुट्टी लिया था या अपने प्रियजन के साथ अपने समय बिताया है तो आपका मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सैड हैं, बहुत ग्लूमी हैं, तो आपको प्रतिपक्ष भावना उल्टा करना है। तो यहाँ पे भी अगर बहुत फियर है तो आप उल्टा करिए। और ये तो माना ही गया है कि ऐसे समय में जो पोर्टफोलियो बनाए जाते हैं, जैसे अभी इलेक्शन की अनसर्टेनिटी आपने बताई, तो ऐसे समय में जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, और एक बार अगर गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, तो जो आपका अभी का पोर्टफोलियो है वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। तो आई थिंक डर के सामने तो जीत है बिल्कुल, तो हमेशा कहा जाता है। लेकिन आपने एक बात कही यहाँ पर कि आपको अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए फियर को ओवरकम करने के लिए। क्या ये मोमेंट्री नहीं रहता है? इसको हम निरंतर कैसे इस स्थिति को अपना सकते हैं या पा सकते हैं? तो इसके लिए तो फिर योगा का ज़रूरत है, इसीलिए तो योग सूत्र पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि योग सूत्र में एक और बात कही गई है, उसको बोलते हैं अनित्य भावना। अनित्य भावना का मतलब ये है कि जो सुबह था वो दोपहर को नहीं होगा, जो दोपहर को था वो रात को नहीं होगा। तो जो नेगेटिव मूवमेंट है वो भी निकल जाते हैं, दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा, बिकॉज इट्स चेंजिंग, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो यही स्टॉक मार्केट्स में भी है। अगर आपने देखा है 1980 से आज तक कितनी बार मार्केट ऊपर गया है, कितनी बार नीचे आया, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, तो अभी इंडेक्स आज 38,000 पे है या निफ्टी आज 11,400 पे है, तो ये जरूरी है। लेकिन हाँ, ये फियर तो रहेगा। महिला निवेशकों पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बात करें। कई बार हमने आपको बोलते हुए सुना है कि योग जो है महिला निवेशक और पुरुष निवेशक के बारे में ऐसे कुछ खास बाइफिकेशन नहीं है, निवेशक निवेशक होता है, लेकिन हमारे देश में अभी भी महिला निवेशकों की संख्या बहुत कम है। कुछ डरती हैं, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें कि वो वाकई निवेश कर पाएंगी और अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में ले पाएंगी। और उतना ही नहीं, आजकल क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वुमेन का कल्चर बहुत बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर जागरूकता अभी भी नहीं है। तो इसे हम योग में कैसे समझें? तो कविता, मुझे पहले आपको धन्यवाद देना है कि आपने ये सवाल पूछा,
क्योंकि ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं तो पूरा देश में घूमता हूँ और बहुत सारे वुमेन इन्वेस्टर से या महिला निवेशक से भी मैं बात करता हूँ, तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। महिला निवेशक कहीं ना कहीं ये डरती है या कहीं ना कहीं से उसको ऐसा कंडीशन किया गया है कि या तो उनके उनके भाई या हस्बैंड या पिताजी, ऐसे सब लोग जो मेल मेंबर हैं वही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो वुमेन इन्वेस्टर एक्चुअली इन्वेस्ट करती हैं या जो निवेश करती हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि दे आर बेटर इन्वेस्टर्स। हाँ, क्योंकि उनका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बेटर है। वो जल्दी में आके कोई अच्छा शेयर नहीं बेच देती, वो विनर्स को नहीं बेच देती, और ऐसे ही जल्दी में कोई टिप दिया किसी ने वो इमीडिएटली इन्वेस्ट भी नहीं करती। जो मैन बाय नेचर उनका एड्रेनलिन बहुत स्ट्रांग होता है, वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने वुमेन निवेशक के पोर्टफोलियो भी देखे हैं और मेल के भी देखे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो वुमेन निवेशक हैं, जो महिला निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज वो बहुत कम चर्निंग करती हैं, उनमें धीरज है, उनमें धीरज है और वो डिसीजन अच्छा लेती हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ आगे आएँ और निवेश करें, और अभी ये जागरूकता बढ़ रही है। अभी बहुत सारे लोग हम जाते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जाते हैं, कई कैंप्स किए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहा है और होपफुली आई थिंक उनका रोल अभी आगे जाके काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि उन्हें कंडीशन कर दिया जाता है और अब वक्त आ गया है कि वो आगे बढ़ चढ़ कर थोड़ी सी दिलचस्पी भी लें पूरे फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। लेकिन मेरा सवाल उन सिंगल पेरेंट्स के लिए भी है, वो सिंगल वुमेन के लिए भी है, उन्हें क्योंकि आर्थिक तौर पे अपनी ज़िंदगी अपने आप जीनी है और सभी फैसले खुद लेने हैं, उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए और ज़रूरत को कैसे समझना चाहिए, ख़ासतौर से सिंगल पेरेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अकेले होते हैं, को डिपेंडेंस नहीं होती है और आपको अपने अपना रिटायरमेंट तो देखना ही होता है लेकिन अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य भी देखना होता है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर MBBS है, डॉक्टर MD है, डॉक्टर ने एक क्वालिफिकेशन लिया है और वो एक फ़ीस देता है, और फीस के टाइम पे जाके उससे नेगोशिएट भी नहीं करता है कि आप 1200 मत लीजिए, आप 1000 लीजिए। तो बिल्कुल आपकी हेल्थ का ध्यान जिस तरह से एक डॉक्टर रखता है, आपकी वेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको एक अच्छा एडवाइज़र चाहिए। हाँ, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर आप अभी तक पूरा समझ नहीं पाए हैं निवेश को, तो कम से कम एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढिए और उसके बाद वो एसेट एलोकेशन के हिसाब से बताइए। और इक्विटी क्योंकि अच्छा रिटर्न दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वो एक अच्छा एडवाइज़र आपको समझा भी देगा कि कैसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये जो सिंगल पेरेंट की बात की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करें। अगर वो खुद समझती हैं तो ठीक है, नहीं तो एक अच्छे एडवाइजर के पास जाएं और ये जरूर करें। बिल्कुल, लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि अक्सर हम अलग अलग रागास के बारे में सुनते रहते हैं, योग में इसका जिक्र होता है और अगर आप भारतीय संस्कृति को भी पढ़ें थोड़ा सा तो अलग तरह के रागा होते हैं जो मेरे ख्याल से आपको प्रभावित करते हैं। योग सूत्र में इनका जिक्र कैसे किया गया है और कितना किया गया है? ये तो सबको पता है कि अटैचमेंट इज़ द कॉज ऑफ मिजरीज, मतलब कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से अटैच होते हैं, किसी इंसान से अटैच होते हैं या किसी वस्तु से या किसी एसेट क्लास से, तो आप कहीं ना कहीं दुख भोगेंगे। हाँ, तो अगर आपने इंडियन इंडस्ट्री देखी है या आपने बहुत सालों से देखा है कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने देखा है कि प्रॉपर्टी में और गोल्ड में, जो फिजिकल एसेट्स में जिसको आप छू सकते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। इवन विद इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर लोग अटैच्ड हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रियल एस्टेट में ही पैसा लगाना है, सही बात, रियल एस्टेट के शेयर खरीदने हैं, कुछ बोलते हैं मैं शुगर के ही खरीदूंगा। अभी शुगर इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, आपने देखा बहुत सालों से शुगर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जो बहुत सारी जैसे FMCG आजकल अच्छा कर रहा है, बट ये लोग सारा पैसा एक पर्टिकुलर, एक मैंने यहाँ तक देखा है कि एक निवेशक के पास कुछ फिजिकल शेयर थे, वो उनको डिमेट नहीं करा रहा था। अच्छा, क्योंकि उसका नाम था, क्योंकि वो एक बैंक के चेयरमैन थे और उनका नाम था उस शेयर सर्टिफिकेट पे। तो हमने उनको समझाया कि जब तक आप डिमेट नहीं करेंगे तो आप बेचेंगे कैसे, आपको पैसा चाहिए। तो यहाँ तक इस हद तक लोग अटैच हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स को कम करना है, तो योगा तो पूरा टाइम यही बात करता है, जो हमारा जो एक मेन श्लोक है, जो अविद्या अस्मिता रागा द्वेषा अभिनिवेशा, जिसमें रागा को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया और ये कहा गया है कि आप अपनी अटैचमेंट को कम करिए। अब यहाँ अगर मैं निवेश की स्थिति में देखूँ तो वो इस तरह से लगेंगे कि आप एक एसेट क्लास के ऊपर ज़्यादा आप अटैचमेंट मत रखिए, अलग अलग एसेट क्लासेस में जाइए और किसी भी एसेट क्लास को गलत मत समझिए और अपने राग को कम करिए।
एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 4। रागा तो हमने समझ ली, लेकिन अब बात करते हैं गुणा की, जिसके तहत अलग अलग निवेशकों में अलग अलग गुण हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ बहुत अग्रेसिव होते हैं। अगर हम पुरुष और महिला की ही बात कर लें, दोनों के अलग अलग गुण हैं, प्रवृत्ति अलग अलग है, तो योगसूत्र में क्या गुणों के तहत भी हम निवेशकों को क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, योगा में हम जब बात करते हैं तो तीन गुणों की बात करते हैं। हम बोलते हैं तमस, रजस और सत्व। तो अगर हम तमस प्रवृत्ति की बात करें तो तमस का मतलब ये है कि आप तामसिक हैं। मतलब जैसे हम खाने के बारे में शायद काफ़ी लोग समझते हैं कि ये सात्विक खाना है, ये राजसिक खाना है, तो मैं उसी से समझाता हूँ, और ये तामसिक खाना है। तो ऐसे ही गुना भी इस तरह से होते हैं, देवताओं और राक्षसों में भी उसको डिफाइन किया जाता है। तो अगर आप वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे। किसी ने बोला चिट फंड में डाल दो, किसी ने बोला पेनी स्टॉक ले लो, अच्छा, तो आप एकदम तामसिक प्रवृत्ति के हैं, तो ऑब्वियसली अशांत है। मतलब अशांत है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट आपको फल नहीं देगी। ओहो, आप जिससे मिले आपने वहाँ पैसा डाल दिया। आपको किसी ने कहा ये प्लॉट ले लो, आपने कहा ये FD ले लो, आप किसी ने कहा आप ये शेयर ले लो, तो आप उस तरह करते और आप भूल जाते हैं, आप देखते भी नहीं है, ट्रैक भी नहीं करते, रिव्यू भी नहीं करते, तो आपको इससे तो बिल्कुल बाहर आना। अच्छा, तामसिक प्रवृत्ति वाले तो कभी पैसा बना ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरा है रजस। रजस मतलब वो जो मैं बात कर रहा था, जो मैं पुरुषों में बात कर रहा था, एड्रेनलिन, कि कुछ ना कुछ करना है, तो ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो जो रजसिक होते हैं वो ट्रेडर होते हैं, अगर मैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूं। अच्छा, तो जो ट्रेडर हैं उनको राजसिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लेना है ना इमीडिएटली। अगर स्टॉप लॉस करना है तो भी इमीडिएटली करना है, प्रॉफिट के ऊपर राइट करना है, कट करना है, तो मतलब अगर अपनी अप्रोच में वो एग्रेसिव होते हैं, लेकिन मुनाफा कमाएंगे वो जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं इस तरह समझाता हूँ कि जैसे हम लोग रिस्क प्रोफाइल करते हैं ना, हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में, तो एक बहुत बड़ा एक फॉर्म भरते हैं कि आप कितना पैसा लूज कर सकते हैं आप। ये तो एक हो गया फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइलिंग, राइट। एक मैं कहता हूँ कि आप एक योगिक प्रोफाइलिंग करिए। ये दिलचस्प कहा आपने कि आपको अपनी एक योगिक प्रोफाइलिंग भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपनी योगिक प्रोफाइलिंग करनी है तो आपको पता है कि क्या आप तामसिक हैं। तो मैंने आपको बताया कि तामसिक तो मतलब आप उल्टा सीधा सब कर रहे हैं और गलत शेयर लगा रहे हैं, किसी भी तरह का एसेट क्लास में कर रहे हैं, कभी देख भी नहीं रहे आपने कहाँ पैसा डाला है। और अगर आप राजसिक हैं तो क्या होता है कि 9:15 बजे मार्केट खुली और आप सोचते हैं कि अभी कुछ शेयर खरीदो या अभी कुछ बेचो या जो कल लिया था, और हर घंटे के बाद आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं, टिकर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका योगिक प्रोफाइलिंग हो गया कि आप राजसिक हैं। अच्छा, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन्वेस्टमेंट भी इमीडिएटली बेच देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कि आप राजसिक हैं। हाँ, तो फिर आप अपने आप को ट्रेन करिए जो एक ट्रेडर करता है, फिर आप सीखिए कि वो स्टॉप लॉस क्या है, फिर आप सीखिए कि प्रॉफिट कहाँ तक राइट करना है। ओके, और इसी तरह से अगर आप शांत स्वभाव के हैं, आप एक अच्छा स्टॉक लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप सात्विक हैं। अरे आप तो सीख गई हैं। बिल्कुल, लेकिन यही तो योगा की खासियत है कि बहुत सिंपल है। सिंपल है, बिल्कुल। लेकिन जैसे हम बोलते हैं एक्सेस डायरेक्ट, बहुत सिंपल है। तो जब आपने शुरुआत की योग सूत्र को समझने की, तो आपने अपनी योगिक प्रोफाइलिंग भी की होगी, आप किस श्रेणी में आए थे? हाँ, तो मैं अगर मैं सही बोलूं तो मैं इसी से गुजरा हूँ। अच्छा, जब मैंने शुरुआत की थी तब थोड़ी सी तामसिक थी। हाँ, क्योंकि पता नहीं था, किसी ने बोला यहाँ खरीदो यहाँ डालो। हाँ, तो लॉस किया। अच्छा, फिर उसके बाद राजसिक हुए जब 2000 में, जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी तो तब भी कुछ लॉस हुआ, लेकिन फाइनली 2001-2002 के बाद फिर वो सात्विक हो गया। हाँ, फिर अपने अच्छे शेयर लेके, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ आपने पूरी जिंदगी अगर फेविकोल देखा है। हाँ, बिल्कुल। तो आप सोचिए ना ये कौन सी कंपनी है। हाँ, तो आप उस कंपनी का शेयर क्यों नहीं खरीदते, बिकॉज फेविकोल तो हमेशा देखा है, हर मकान में देखा है। हाँ, अगर मैं रोज एक ब्रिटानिया का बिस्किट खाता हूँ तो क्यों नहीं खरीदता हूँ। हाँ, तो ये धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति बाद में आई और उसके बाद सफर अच्छा रहा है। तो एक तरह से वॉरेन बफे हम कह सकते हैं कि सात्विक प्रवृत्ति के निवेशक हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कई कई साल एक इन्वेस्टमेंट लेके बहुत साल तक उस पे बैठते हैं। हाँ, और वो हर रोज जाके मार्केट में इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच कैश इन हिज पोर्टफोलियो, वो रोज जाके खरीदते भी नहीं है। वो अपना इंतजार करते हैं जब प्राइस उनके बराबर आता है कहीं पे, तब जाके। और इंडिया में भी मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स के बारे में, मैंने अपनी बुक में वॉरेन बफे की बात भी की है और इंडियन इन्वेस्टर की बात भी की है, तो ये सब योगी है। इन्होंने चाहे योग सूत्र नहीं भी पढ़ा, बट बाय नेचर दे आर ऑल योगी, दे आर इन्वेस्टमेंट योगी। बिल्कुल, लेकिन अब बहुत हद तक ये सब चीजें आपके चित्त पर भी निर्भर करती हैं, है ना। जितना आपका मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा, उतने बेहतर तरह के निवेशक आप होंगे। तो योग सूत्र में इसका भी उपाय दिया है। अच्छा, योग सूत्र में बताया गया है कि चित्त भी 5 तरह के होते हैं। ओ, तो सबसे पहले बोलते हैं क्षिप्त। शिप्त सबसे लोअर डिग्री का चित होता है। इसमें वही है मंकी माइंड, कि आज यहाँ कल वहाँ,
कुछ भी करना है, रेस्टलेस, हर वक्त रेस्टलेस, तो ये स्थिति में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये शिफ्ट है। उसके बाद मूड, मूड मतलब आप डम है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और थर्ड हम बोलते हैं कि अब आप जो है वो विक्षिप्त में आ गए हैं, पहले दो से थोड़ा ऊपर है, जिसको हम विक्षिप्त बोलते हैं। अभी भी इसको विक्षिप्त इसलिए बोल रहे हैं कि ये ओकेशनली स्टेडी होता है, ज्यादातर मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, तो आज का आम इंसान है या आम निवेशक है हिंदुस्तान में, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो इसमें आता है। ओके, विक्षिप्त पे। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आप एक संडे को बैठ जाते हैं, जिस दिन आप ओकेशनली स्टेडी है, आज सारे पेपर निकालूंगा, आज मैं सारी इन्वेस्टमेंट देखूंगा, आज मैं ये FD को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा, तो कल मंडे जाके मैं ये सारी चीजें करूंगा, आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट। और जब आप मंडे ऑफिस आते हैं और ऑफिस का प्रेशर सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, तो फिर आप मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड। तो जब आप ओकेशनली स्टडी होते हैं तब शायद आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले सकते हैं, बट ऑन ए नॉर्मल लेवल ये भी एक अच्छा लेवल नहीं है और आप अच्छी रिजल्ट इस निवेशक को नहीं मिलेंगे। चौथा जो होता है वो हम बोलते हैं एकाग्र। एकाग्र जो है वो बोलते हैं सिंगल माइंडेड, पॉइंटेड, कि आप एक चीज़ पे फोकस हो गए हैं। अभी जैसे विक्षिप्त में ज़्यादातर आप डिस्ट्रैक्टेड थे, यहाँ पे आप ज़्यादातर स्टडी हैं, आप फोकस कर पा रहे हैं। तो जब आप फोकस कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग देखेंगे, आप जाके देखेंगे कि आपके आसपास क्या क्या एसेट क्लासेस अवेलेबल है, आप शायद किसी एडवाइजर के पास भी चले जाएंगे और आप फिर इन्वेस्ट करेंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कभी कभी रिव्यू भी करेंगे उसको। तो ये स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं तो वो एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। और ये जो आजकल के जो आप HNI समझते हैं, तो एक तो मैंने बोला कि नॉर्मल इन्वेस्टर, वो तो विक्षिप्त में आ गया था, तो जो HNI है, जो कुछ वेल्थ बना चुके हैं, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे कि वो एकाग्र हैं, उनको अपनी वेल्थ का ध्यान रखना आता है। और फाइनली निरुद्ध, निरुद्ध मतलब कि वो पूरे फोकस्ड हैं। अच्छा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छी कंपनीज खरीद लेते हैं और वो एकदम फोकस। जैसे मैं वॉरेन बफे को निरुद्ध में डालूंगा, तो वो फर्स्ट जनरेशन बिलियनेयर बने हैं, उन्होंने अपने बचपन से इन्वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे जाके समझा, और वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर तो हम उनको नहीं मानते ना, आज हम उनको गुरु मानते हैं। तो ये जितने भी गुरु हैं जिन्होंने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं और जिनके बारे में लोग बात करते हैं, तो सिर्फ वही इन्वेस्टर जो हैं वो निरुद्ध में आए, क्योंकि उन्होंने वो किया जो एक आम इंसान नहीं करता। हमने कोई शेयर खरीदा, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, हमने बेच दिया। इन्होंने ऐसे ऐसे शेयर रखे हैं जो 100 गुना हो गए, 50 गुना हो गए। तो इंडिया में भी हम ऐसे इन्वेस्टर्स की मैंने अपनी बुक में बात की है, राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में बात करें, निमेश शाह के बारे में बात करें, दमानी जी के, जो मैंने अपनी बुक्स में नाम लिखे हैं, तो ये वो इन्वेस्टर है। ठीक है, तो ये निरुद्ध हो गए। ओके, तो ये 5 तरह के आपके, तो ये एक जर्नी है एक तरह से जहां आपको निरुद्ध तक पहुंचना है, ये आपका एम। अगर आप एकाग्र तक भी पहुंच गए तो भी आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए। ओके, एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। अब इस पूरे योग सूत्रा को मुझे अगर समाना हो, अगर समापन भी अगर साथ में इसका करना हो, तो आपका सबसे पसंदीदा सूत्र क्या है, जिसकी वजह से हम ये तमाम पैमानों पर हमने बात की है उन्हें हम पार कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें बताई, बट क्या कोई एक सिंगल सूत्र है या कोई ऐसा रामबाण है या कोई मेन सूत्र जो है? तो मैं हमेशा पंच क्लेशा की बात करता हूँ, और मेरी बुक में सबसे पहला चैप्टर वो पंच क्लेशा का ही है। तो इंसान की जिंदगी में 5 तरह के क्लेश होते हैं, नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में भी मैं कह रहा हूँ, और ये निवेशक की ज़िंदगी में भी वही 5 क्लेश होते हैं। और ये क्लेश ऐसे हैं कि इनको आप ख़त्म नहीं कर सकते, इनको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो सूत्रा इस तरह से है, अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेष, अभिनिवेश। तो स्टार्टिंग विद अविद्या, तो अविद्या को आप कम कैसे करें लाइफ में? तो अविद्या का मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, एक फ्रिज का, कि लोग एक फ्रिज खरीदते हैं, 10 जगह जाते हैं, और आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो आप 5-6 लोग देखते हैं, उसका रिव्यूज़ पढ़ते हैं, आप 1000 जगह जाके आप क्या क्या उसमें फ़ीचर्स हैं वो देखते हैं, तो जितनी मेहनत आप उसके बारे में करते हैं, तो क्या आप उसकी थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर सकते? तो अगर आप एक कंपनी के बारे में देखिए और आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है वो देख सकते हैं, और आजकल तो ये इंटरनेट में आपको मिल ही जाता है ना, तो इतना भी आप नहीं करते, जबकि आप एक फ्रिज के लिए, एक टीवी के लिए, एक मोबाइल फ़ोन करने के लिए, इवन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने के लिए भी आप 5-6 जगह रिव्यू पढ़ते हैं, और आप जोमेटो देखेंगे, कोई और देखेंगे, 2 लोगों को फ़ोन भी करेंगे। तो ये बिहेवियर चेंज करिए, अविद्या को कम करिए। मैं बोल रहा हूँ कि ये खत्म नहीं हो सकते क्लेश, ये कम हो सकते हैं, अविद्या से विद्या की तरफ जाना है।
दूसरा ईगो, ईगो भी खत्म नहीं हो सकती है, हमेशा कुछ ईगो तो रहने ही वाली है, बट आप कुछ तो कम करिए। आप जब डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं अपनी बीमारी के लिए और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ऐसी क्यों ईगो है कि मुझे सब पता है। मोस्टली लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं आपको फीस नहीं दूंगा, टीवी पे देख लूंगा, किसी से पूछ लूंगा। अरे भाई, एक आदमी ने रिसर्च किया है, एक आदमी पूरा दिन मैनेजमेंट से मिलता है, आप उसको कुछ फीस दीजिए। आपके अंदर इतना ईगो क्यों है? तो वो बोलते हैं ना, नॉलेज ऑफ द ईगो इज नॉलेज एंड ईगो ऑफ योर नॉलेज इज ईगो। तो इसको समझिए, ये योग सूत्र में कहा गया है। बहुत बाद में ये आपने शायद इंग्लिश का ये सुना होगा, लेकिन योग सूत्र में 2000 साल पहले कहा गया था। और तीसरा रागा, उसके बारे में हमने काफ़ी बात की है कि आप अलग अलग एसेट क्लास में मत, एक ही जगह मत रहिए, आप अलग अलग एसेट क्लास को देखिए। चौथा है द्वेष, आपको अवर्जन हो जाता है। किसी ने पैसा खो दिया, आपने सुना किसी का लॉस हो गया, आपके पेरेंट्स का हो गया, आपके फ्रेंड का हो गया, आपने सुन लिया कि किसी ने पैसा खो दिया और आपने खुद ने खो दिया, तो आपको ऐसी नफरत हो जाती है। आप बोलते हैं ये गैम्बलिंग डेन है, अभी तो इस तरफ जाना ही नहीं, आपको नफरत सी हो जाती है उससे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, तो इसको कम करना है। और ये रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को इतना नापसंद करते हैं कि आपकी खुद की जिंदगी खराब हो जाए, तो उतना नहीं करना चाहिए। और फाइनली अभिनिवेश, तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अभिनिवेश इज फियर, अभिनिवेश से बचें और सही निवेश करें। और फियर तो किसी चीज़ का भी होता है। अगर आपका 100 रुपये का शेयर 120 हुआ तो आपको उतनी खुशी नहीं होती जितना अगर आपका 100 रुपये का शेयर 95 हो गया। हाँ। ये प्रवृत्ति है ना। हाँ। और इसको समझना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको ऐसे ही रिटर्न देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनेंगे। तो इस भय को भी कम करना है, खत्म नहीं करना है। तो ये पांचों क्लेश को आप समझते रहिए, और जब भी आपका कोई डिसीजन लेना हो तो आप सोच के चलिए कि कहीं आप इनसे प्रभावित होकर नहीं ले रहे, कहीं आपने कहीं पहले लॉस के इसलिए तो इन्वेस्ट से डर नहीं रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे हुए तो नहीं है, कहीं आप किसी खास एसेट क्लास से बहुत अटैच तो नहीं है, या आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, मतलब आप अविद्या से ग्रसित तो नहीं है। तो ये पांचों हमेशा चेकलिस्ट की तरह अपने हाथ में रखिए अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है। तो कुल मिला के पंच कलेशा जो है रामबाण है, लेकिन इसी के साथ साथ अब इस पूरी चर्चा से सार ये निकलता है कि वित्त साक्षरता, समझ और संयम से आपको बनना है एक निरुद्ध निवेशक। ये हमें सीख इस चर्चा से पूरी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज हमारे साथ आने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आप सब रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। नमस्कार। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स सीएनबीसी आवाज पहला कदम सीजन 4। फोकस, आइडिएट, इनोवेट, एनेबल।